अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान, मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीटीआई का लॉन्ग मार्च 2 होगा या नए इंतखाबात होंगे, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है। और इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर सियासी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ लॉन्ग मार्च के हवाले से दरख्वास्त दी जिस पर एतराज़ लगा कर वापस कर दिया गया। और अब वही अदालत ने वो जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट को भेज दी, चूँकि इस पर इससे पहले रोलिंग आ चुकी है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या हिकमत अमली अपनाती है। 6 दिन पूरे हो चुके हैं, खान साहब ने जो हुकूमत को टाइम दिया था वो पूरा हो गया। देखना यह है कि क्या खान साहब अब दोबारा लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट करते हैं, चूँकि फौरी तौर पर अभी हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो इस तरह का कोई ऐलान करेंगे। कोई यकीन दहानी है उनको कि क्या फौरी तौर पर इंतखाबात होंगे? जिस तरह का माहौल बना हुआ है और मौजूदा हुकूमत जितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है 2023 तक, और इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर होंगे। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त चूँकि इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ सियासत नहीं हम जिहाद कर रहे हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त एक जद्दोजहद है और इसको उन्होंने जिहाद का नाम दिया। देखना यह है कि क्या वो इस पूरे अमल में प्रेशर बिल्ड कर नए इलेक्शंस कराने की पोजीशन में हैं या नहीं। दूसरी तरफ चूंकि जो इम्पोर्टेंट बात है, इस हुकूमत ने बजट पेश करना है और कहा यह जा रहा है कि शायद ये हुकूमत बजट पेश करने के बाद इलेक्शंस की तरफ जाए, अनाउंसमेंट करे, टेक्नोक्रेट किस्म का सिस्टम मुतारिफ कराया जाए और वो आगे इलेक्शंस की अनाउंसमेंट करें। इस तरह की खबरें गर्दश कर रही हैं, लेकिन जब कुमती लोगों की बात करते हैं, कुमती ज़राए की बात करते हैं, तो वो इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमने कंटिन्यू करना है और किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ राणा सनाउल्ला साहब कह रहे हैं कि जी फसादी मार्च को किसी भी सूरत इस्लामाबाद की तरफ इन लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। अब मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, वहाँ से क्या फैसला आता है और क्या प्लान करती है हुकूमत भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। महंगाई बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ महंगी होती जा रही है, गरीब जो है वो चीज़ों को अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में चूँकि बहुत ज़्यादा महंगाई है, महंगाई में इजाफा हो रहा है और सियासी और माशी बहरान है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म चूँकि इस वक्त तुर्की के दौरे पे हैं और उसके बाद उन्होंने चाइना भी जाना है, बैक टू बैक उनके ये दौरे हैं। देखना यह है कि सऊदीया, चाइना, तुर्की और दीगर ममालिक दोस्त ममालिक मिलकर अगर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो इस माली बुरान से पाकिस्तान निकल सकता है। सियासी बुरान के से निकलने के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे का साथ देना होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि शायद बजट के बाद असेंबलियों में उनकी वापसी हो, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। और कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों ने ये बात भी रखी थी कि हमें वापस असेंबलियों में जाना चाहिए, और असेंबलियों में रहते हुए मौजूदा हुकूमत चूँकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसके ये चल नहीं सकती और इसको हम मज़ीद प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं असेंबलियों में रहते हुए। इस पर देखना यह है कि क्या फैसला करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, चूँकि जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ था उसमें तो उन्होंने मना कर दिया था कि इस किसी भी सूरत हम असेंबलियों का रुख नहीं करेंगे, हम सड़कों पर रहेंगे, प्रेशर बिल्ड करेंगे और इस हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करनी है वीडियो लिंक के लिए, सीनियर रहनुमा है एमएनए मुस्लिम लीग नून की। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी वैसे इस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी करेंगे इकबाल खान साहब, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मावन खसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के, और इंजीनियर दिल अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान MP हैं, वो भी हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ज़ाहिर है महंगाई बहुत ज़्यादा है और जब तक कोई हेल्प नहीं होती, फंड्स इकट्ठे नहीं होते, फौरी तौर पे रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। आके अपने बजट भी पेश करना है, क्या प्लानिंग्स हैं, किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जाएगा? इस बात पे तफसील बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मुल्क के क्या हालात थे, लेकिन अब जो भी हालात थे हमें उसके साथ उन्हें जीत करके तो मुल्क को आगे लेके चलना है। उसके लिए हमारी जो हैं और पाकिस्तान जो
आइसोलेट में जाकर सारे मोहम्मद होते हैं, क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ नया मोहम्मद के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ जब टाइम गुजारते हैं तो एक दूसरे के लिए असामियाँ पैदा करते हैं। ये दूर रह के नहीं रहा जा सकता, हम भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और IMF से भी हमारे यहाँ पैचअप होने के इंशाल्लाह चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जब इधर चांसेस पैचअप हो जाएगा तो हमारे बाकी कंट्रीज जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी एक हमारा अच्छा बाई जोन क्रिएट हो जाएगा, हमारी उनके साथ ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी, ताकि हम एक तरफ से तो हमें गुजारे के लिए एक टाइम पास करने के लिए कुछ अमाउंट चाहिए, दूसरी तरफ हमारे मुल्क की मैशत को बढ़ाने के लिए हमारी ट्रेडिंग बढ़नी चाहिए। ये भी हमारे मुल्की सतहों पे जब हम दूसरे ममालिक के साथ डील करते हैं तो फिर ये मामला तय होते हैं, ठीक, लेकिन और डॉक्टर उस साहब, चूंकि तरीके चूंकि वक्त से बहुत कम है और ज़्यादा प्रेशर है, आप बिल्कुल आराम से हुकूमत नहीं कर पा रहे। अब लॉन्ग मार्च 2 की तैयारियां हो रही हैं, अगर वो मार्च होता है फिर आपको मुश्किल होंगी। तो इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स और ख़ास तौर पर जो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल किया जाए, वापस असेंबलियों में बुलाया जाए ताकि मामलात आगे बेहतर तरीके से चल सके, आपको कोई इस पहलू पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है? ये तो उनका अपना जाती फैसला है, उस पे वो किस हद तक कार्बन है। अब मैं उनके फैसले की सख्ती का मुझे इलम नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से तो उन्हें कभी भी दबाव नहीं था कि आप असम्बलियां तोड़ के चले जाए। हम तो चाहते हैं कि वो असम्बलियों में आए, यहाँ पे हम मिलके इस्लाहात करें, हम मिलके मुल्क के मामलों को आगे की तरफ लेके जाए। जो जिस मेहनत पे हमारा मुल्क चला गया है, हमारी आवाम किस तरीके से धरती पे ऐसी हो गई है, ठीक, और उनके लिए कोई भी एजेंडा हमें नजर नहीं आ रहा, तो वो आए। हम तो कहते हैं वो आए, लेकिन वो तो अपनी एक स्ट्रेटेजी जो तैयार करके बैठे हुए हैं, उन्होंने एक कितना एक शर जो सोच के बैठे हुए हैं कि वो फैलाना है। हम कभी मार्च की वो ड्रेस लेते हैं और कभी खूनी मार्च का ऐलान करते हैं, कभी कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान माइग्रेट हो जाना है, हमारे हमारी केपीटी की हुकूमत ने वफाक पे हमला कर देना है। ठीक, लेकिन ये इसमें बाकी डॉक्टर साहब, डॉक्टर उनका साहब जो इस एक चीज़ तो ये है हम ना, अपने खूनी साथ मार्च रखते से हैं। पहले 3 दिन से गिरफ्तारियां आपने शुरू कर दी थी, फ्री हैंड तो आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको फ्री हैंड दें, इनको जाने दें, एहतजाज इनका जमहूरी हक है। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो रिएक्शन आता है, फिर आप दाद दें इमरान खान साहब को कि उन्होंने जब इस्लामाबाद में देखा कि टेंस माहौल है तो उन्होंने धरना कॉल ऑफ कर दिया। मेरी एक बात सुने, वो क्या क्या किस चीज का नुकसान नहीं हुआ? इन्होंने तो प्रॉमिस किया था, हम तो पूरा मन तरीके से अदालत से तो रुजू किया, तो प्रॉमिस के साथ इजाजत ली थी कि हमारी तरफ से एक गमला भी नहीं टूटेगा। तो ये एक तो माजी उनका में नहीं ईमान तो टूटा, उनके बड़े बड़े क्राउड्स उन्होंने इकट्ठे किए, जलसे किए, तो नहीं टूटा। जब आपकी तरफ से एग्रेशन नजर आया, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आए हम इस्लामाबाद, आप आकर दिखाएं। दूसरी तरफ मरियम बीबी ये कहती थी कि हमने राणा सनाउल्लाह आपके लिए रखा हुआ, तो एग्रेशन तो दोनों तरफ से आया है। मेरी एक बात सुने, जब जब अदलिया ने परमिशन दे दी उस वक्त तो गवर्नमेंट एक साइड पे हट गई, वो जितने भी ब्लॉक ठीक, थे, जितने भी सड़क ब्लॉक की हुई थी वो सारी हटा दी गई थी। फिर तो हम खामोश हो गए कि भी अब देखें ये क्या होता है। तो जो हुआ वो सबने देखा। अब इन्होंने तो अदलिया का एतबार तोड़ा है, अब अदलिया इन्हें किस अदलिया पे शर्त तो आप डॉक्टर पे साहब, आपको जाते? आपका भी एतमाद नहीं है। जब उनके हक में कोई फैसला आता है तो आप एतमाद नहीं करते, आप उनके खिलाफ होता है तो वो नहीं करते। अब इंजीनियर अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अदील, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब क्या प्लान होगा? इमरान खान साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद को सियासत नहीं जिहाद समझते हैं, और अब चूंकि टाइम खत्म हो चुका है जो 6 दिन की मोहलत दी गई थी, अगला प्लान क्या है? दोबारा इस्लामाबाद के लिए जा रहे हैं आप? मार्च होगा, कोई अनाउंसमेंट होगी, या अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, बजट पेश होगा, उसके बाद कोई प्लानिंग आपकी आप प्लान करेंगे चीज़ों को? अदील साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, उसकी वजूहत यह है
जी एक अच्छी खासी चलती फिरती तरक्की करती हुकूमत जो है जो पाकिस्तान को एक ट्रैक में डाल के और तरक्की के रास्ते में डाल दिया था। और उस वो सिर्फ हम नहीं कह रहे, वो जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है इनके नीचे इन्होंने बहुत कोशिश की फिंगर्स को मैनेज करने की, चेंज करने की। और इस जमन में जो इदारा शुमारियात को ये फिगर्स बनाते हैं रिपोर्ट्स, उनके सरबराह को भी पारित किया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद इनकी तरफ से मानी गई फिगर्स हैं कि 6% से पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। पहले ये लोग प्रोपागेंडा कर रहे थे पूरा मीडिया इस्तेमाल करके कि पाकिस्तान की मीशत तबाह कर दी। अब आज आप मिफ्ता इस्माइल साहब की ट्वीट देखें तो वो शाबाश दे रहे कि जो टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हुई है, पिछले साल से भी ज़्यादा हुई है। आप इनकी स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, ये भी मान रहे हैं। आप टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो चेयरमैन है उनका देख लें, वो भी ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हुई है इन 3-3.5 सालों में। आए लार्ज स्केल मैनुफैक्चरिंग देख लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लें। कल टूरिज्म के हवाले से दुनिया में एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान 7 पॉइंट्स ऊपर गया टूरिज्म में। इसी तरीके से जो जो चीज़ आप उठा के देखेंगे, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड हुई और जो हमारे खसारे थे वो कम हुए। और पहले ये मानने से इनकारी थे कि हम रूस के साथ जो हमारा कम पैसों पे तेल का मुआहदा चल रहा था पे, पहले ये उससे इनकार कर रहे थे। अभी जफ्ता साहब ने वो भी मान लिया कि हाँ ऐसी क्रॉसपॉन्डेंस और ऐसी जो है वो बातचीत रूस के साथ हुई। तो जब एक हुकूमत इस तरह से, लेकिन इसमें अदील आप तो ये सारी बातें मान रहे हैं, आप तो ये सारी बातें मान रहे हैं, इनको ये कह रहे हैं कि हम तो फंस गए। मैं वजह बता रहा हूँ, जी जी मैं वजह बता रहा हूँ कि हमने लॉन्ग मार्च क्यों किया और इस मुल्क में शहर शहर गांव गांव करिया करिया लोग क्यों निकल रहे हैं बाहर। वो इसलिए निकल रहे हैं कि कौन था वो जिसको ये तकलीफ थी कि पाकिस्तान की ये जो तरक्की है इस तरक्की के रास्ते को रोका जाए और इसको रिवर्स गियर लगाया जाए। और जब से आप देख लें इनकी जितना भी टाइम हुआ इनको आए हुए महीने भर में डॉलर का देख लें क्या हाल हुआ है, रुपया कितना गिरा है, आपका स्टॉक मार्केट हजारों पॉइंट क्रैश हुई है, आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो नीचे जा रहे हैं, आपकी बिजली की लोड शेडिंग देख लें, 8 पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि इन्होंने वक्त से फ्यूल इम्पोर्ट नहीं किया। और ये कह रहे हैं कि हम फ्यूल इम्पोर्ट ना करके मईशत को ठीक कर रहे हैं, डॉलर बचा रहे हैं। मतलब ये कौन किस किस्म की मखलूक जो है वो आ गई है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं, ठीक तो अभी 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 अदील आप दोबारा दोबारा इस्लामाबाद का रुख करेंगे या आपको लगता है कि अभी इलेक्शंस की तारीख मिल जाएगी आपको? दूसरी वजह ये है जी कि चले आपने आपने एक सादिक और अमीन वजीर आजम को हटा दिया जिसके पास 155 सीटें थी और जिसको लेकर आए वो 84 सीटों वाले, और एक भानमती का कुंभा बना दिया। 60% से जायद काबीना जमानतों पर है, सारे क्रिमिनल्स हैं, नैब में FIA में केसेस का सामना है, फर्दे जुर्म लगनी है। तो काम की इससे बड़ी तौहीन क्यों की गई? इसलिए कि अमेरिका का हुक्म था, अमेरिका के आगे पाजमात लेट गए, ये वजह है कि लॉन्ग मार्च के लिए चले। अब देखें सुप्रीम कोर्ट के वादे अहकाम थे कि रेड नहीं करने, गिरफ्तारियां नहीं करनी, चादर चार दीवारी का तहफ़ सामान नहीं करना, रस्ते नहीं रोकने, शेलिंग नहीं करनी। और आप देखें किस तरह से ऑडियो वीडियो ऑडियो जो लीक आई है फैक्ट्री दाखिला की, हम डिमांड करते हैं कि उसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, 2-4 लाशें गिरा दो लेकिन निकलने ना दो। ये हाल है पाकिस्तान। ठीक है अदील आप लाइन पे रहिएगा, एक बात सांसद बाबर खुसूसी से सीनियर को हमारे साथ मौजूद है, हमें डरा देंगे, हम दोबारा जाएंगे इस्लामाबाद। ठीक है ठीक है अदील आप लाइन पे रहिएगा। इकबाल सांस साहब एक तो चूंकि अदील अहमद साहब जो बात कर रहे हैं जो सिंध में खासतौर पे कराची में जो इन कार्रवाइयाँ हुई हैं इस्लामाबाद वाली फिर भी कुछ समझ आती हैं कि चले उन्होंने प्रोटेस्ट में जाना था, ये तो इन्होंने इधर ही बैठना था। इन पे तशद्दुद क्यों किया आपने और इस पे ज़ाहिर सिंध असेंबली में स्पीकर के नाम इन्होंने कल लेटर भी दिया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि तजर्बेकार हुकूमत है, आप लोग सारे तजर्बेकार थे, जिस तरह हमने देखा कि पिछले 15 साल से सिंध में महंगाई है, गुरबत है, डेवलपमेंट नहीं हुई, एक महीने में आपका तजर्बा 1.5 महीने में नज़र आ रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे बिलावल साहब के दौरे तो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जो कि आप दावे कर रहे थे कि हम आएंगे तो सीधा कर देंगे इस मुल्क को अच्छा कर देंगे, क्यों चीज़ें उस लाइन पर नहीं आ रही, क्यों चीज़ें जो है वो डी ट्रैक हो रही हैं, ट्रैक पर नहीं आ रही? इकबाल खान साहब
इकबाल खान साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? इकबाल खान साहब तक आवाज़ नहीं पहुंचनी, हम कोशिश करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे उनसे कि जो प्लान्स थे, चूंकि मफाहमत की सियासत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी बेहतरीन की, लेकिन डेवलपमेंट की और पाकिस्तान के आवाम को गुरबत से निकालने के लिए ज़रूरी था कि किस तरह चीज़ें बेहतर हों और पाकिस्तान आगे तरक्की करे। क्योंकि पहले तो पीडीएम का मुतालबा ही यह था कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, हम इस असम्बलियों को नहीं मानते। अब वही असम्बलियाँ हैं जो जिनको ये सिलेक्टेड असम्बली कहते थे, और उसी असम्बली में यही हुकूमत कर रहे हैं। डॉक्टर समीना मतलब साहिबा, ये बड़ा, चूँकि आपका बड़ा वाज़ मुतालबा था, बुनियादी मुतालबा था, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि फौरी इंतखाबात होने चाहिए, आपका मुतालबा ये था कि 2018 की असम्बलियों को हम नहीं मानते, फौरी इलेक्शंस होना चाहिए, जब आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे थे। आज आप सारी चीज़ों से पलट गए हैं और अब उसी सिलेक्टेड असम्बली का हिस्सा बन के उसी के मैंडेट के साथ आप हुकूमत इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो इस बात का जवाब पहले दें कि जी जब हम मुतालबा करते थे तो ये जवाब क्या देते थे। हम तो शेख रशीद की बात कर रहे हैं, हम तो तुन के 5 साल पूरे करेंगे, हम तो अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। आप मुतालबा ही करते रह जाओगे, आप इसी तरह ही करते रह जाओगे। बात नहीं डॉक्टर साहब, वो उसके बात बाद ठीक कोई है आपकी, बात मेरा तो देखिए, हम तो जर्नलिस्ट है ना, हम अपना सवाल रखेंगे, फिर बुनियादी तौर नहीं, पे मेरी असूली डॉक्टर सियासत तो ना साहब रही ना। मैं आज जब इक्तदार मिला तो असूल सारे खत्म हो गए, आप नजरियाती थे, नजरियात सारे खत्म हो गए, तो फिर माने आपको कि आपने भी यहां मुफाहमत की भाई, सियासत की है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे जवाब तो पूरा दे लेने नहीं, दो। हाँ तो सब आपको पूरा टाइम दे रहे हैं डॉक्टर साहबा। मैं उसी तरफ ही आ रही हूँ कि अब हम अगर आईनी तौर पे हमने एक गवर्नमेंट ली है मुल्क के हालात को देखते हुए, लोगों की डिमांड पे, तो अब फिर इन्हें वही बात, अब फिर वही इलेक्शन सूझ रहे हैं। अब तो मुल्क तो मुतमल नहीं हो सकता। अब जब तक मुल्क अपने सही ट्रैक पे नहीं जाएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे थोड़ा, ये कोई खेल थोड़ा है। इस मुल्क को जब भी आए कोई जी, मुझे मैं उतर गया तो मुल्क चलेगा ही नहीं, और मैं ही पीएम रहूं तो मुल्क चलेगा। बट इज दिस नहीं, तो मैं तो अपना एहतजाज करूंगा, मैं तो जहाँ पे खूनी इंकलाब लाऊंगा। ये बातें नहीं होती, ये बातें पुरमन तरीके से तय होने को होती है। आप वक्त के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक फैसला करना चाहिए। और अगर हमने सिचुएशन के मुताबिक फैसला ये लिया जी है कि हमने, अब हम बहुत सारी पार्टियों का मिलके एक अलायंस है जो इकट्ठे जहनों के साथ मिलके आगे चल रहा है और मजबूती से चल रहा है। ठीक है, हम उम्मीद रखते हैं कि हम साल में, इस साल के अंदर अंदर हम अपने स्टैम्प पीरियड में मुल्क को एक बेहतरीन ट्रैक पे डाल लेंगे। उसके बाद हम भी फ्री होंगे, मुल्क भी कुछ बेहतरी की तरफ गया चले देखते होगा। हैं मुल्क और बेहतरी की तरफ जाता है या क्या प्लान है, क्योंकि पिछले 35 साल तो आप ही की हुकूमतें रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप और दिग्गज, लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हुई, क्या अब बेहतर हो सकेगी? और इकतदार से पहले आप तजर्बा रखते थे, तजर्बेकार थे, अब आप कह रहे हैं कि हम फिर ट्रैप में आ गए। इकबाल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही अच्छा है। इकबाल साहब बताइएगा, एक तो अदील अहमद जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शायद आप सुन पाए उनको, सिंध में जो क्रैकडाउन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और स्पेशली कराची में, वो तो किसी भी सूरत नहीं बनता था, अदालती हुक्म बिल्कुल वाजे था, उसके बावजूद आपने आंसू गैस और इन पे तशद्दुद किया, इनके लोगों के जो पीटीआई की लीडरशिप थी उनके घरों पे छापे मारे गए। अब ये एटीट्यूड, आप तो जमहूरियत के सबसे बड़े दावेदार हैं, क्यों ये एटीट्यूड इख्तियार किया गया यहाँ पे? दूसरी बात, अब ज़ाहिर तजर्बेकार हुकूमत है, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, महंगाई ख़त्म नहीं हो रही, और मज़ीद जो है मुल्क दलदल की तरफ जा रहा है, तो तजर्बा आपका कहाँ गया सर? देखिए, मैं मुझे यहाँ पर हंसी आती है इस तरह की गुफ्तगू सुनकर कि सूरत हाल ये है कि जिन्होंने पौने 4 साल में इस मुल्क का सत्यानाश किया, जिन्होंने डॉलर 100 रुपए से शुरू करके 185-86 रुपए तक लेके चले गए, उनकी बात करने के लिए शायद हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है। देखिए, पौने 4 सालों में जो इस मुल्क का सत्यानाश हुआ उसके जिम्मेदार मैं और आप नहीं है, मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जिन्होंने अब तक अपने बयानी को दसियों बार चेंज किए। पहले इन्होंने कहा कि जनाब हम जो है, अल्लाह आपका भला करे, हम जो है तब्दीली सरकार लेकर आएंगे, हमारे पास 200 एक्सपर्ट्स हैं।
कहा जी हमें 90 दिन में देखिएगा हम करते क्या हैं, फिर कहा जी हमें 6 महीने का इंतजार करें। पाकिस्तान के सीनियर्स तरीन तज्जा निगार और तफसा निगार को बुला के थी, हाथ पैर जोड़ के कहा खुदा के लिए 6 महीने मुझ पर बात ना करें। चले जी ये भी हो गया। फिर आपने कहा जी मुल्क में करप्शन का खात्मा करूंगा, तो सवाल तो पैदा होता है कि करप्शन का खात्मा हो गया या तो इंटरनेशनल इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बढ़ गया, तो जवाब मिलेगा पाकिस्तान का नंबर बढ़ गया। क्या इन्होंने जो 1200 अरब रुपए दिल्ली की करप्शन थी वो बचा भी, तो पाकिस्तान की मैशत को मजबूत होना चाहिए हो जाना चाहिए था। तो अगर पाकिस्तान की मैशत मजबूत है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि इन्होंने जिन चोरों को लुटेरों को दिन रात गालियां दी 4.25 सालों में उनके ऊपर साबित क्या किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह जनरल मुशर्रफ 9 साल में कुछ साबित ना कर सके, बिल्कुल इसी तरह 4.25 सालों में इन्होंने भी कुछ साबित नहीं किया। इनके डेली इन्होंने एजेंडे अपने चेंज किए, डेली बयानियां चेंज किए। अगर ये रियासत मदीना बनाना चाहते थे, अगर इन्होंने एक ईंट भी रखी है तो खुदा की कसम मैं इनके साथ हूँ। आप बताते मदीना की रियासत की कोई बुनियाद डली है तो मैं सबके साथ हूँ, पीटीआई वालों के साथ हूँ। दूसरी बात, अगर ये समझते हैं कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरी में से 2 लाख नौकरियां दे दी है, बाकी 98 लाख का पाकिस्तानी कौम में इंतजार करेगी, मैं भी कर लूंगा। 50 लाख घर बनाने का वादा इन्होंने किया था, लाख दे दिए, 49 लाख का मैं इंतजार करूंगा, इनके साथ मिलकर कर लेता हूं। मैं समझता हूं खासा बड़े अच्छे आदमी थे। ओ खुदा के लिए भाई ये इस्लामिक टच देना बंद कर दो, ये लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो, आगे बढ़ो और बताओ आपने क्या किया है। ठीक, एक बात साहब, मैं इसका जवाब अदील अहमद साहब से लूंगा, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। और जो इस्लामिक टच की बात कर रहे हैं तो इस्लामिक टच फिर बात भुट्टो साहब से ही शुरू होगी, इस्लामिक टच उन्होंने कितने दिए हैं, और हर गवर्नमेंट इस्लामिक टच देती हुई नजर आई है। तो ये इस्लाम को तो हम इस चीज़ से अलग कर ही नहीं सकते, और हमारी सियासत ही सारी इस पे है। लेकिन इससे भी हटकर जो असल बात यह है कि मौजूदा हालात में इस महंगाई पे, क्योंकि 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की, तो हमने तहरीक इंसाफ से पूछा भी, उनसे बात भी की और तनकीद भी की कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे। और एक अच्छी बात, आप ये क्रेडिट इमरान खान साहब को दें कि वो इन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी वो मानते थे कि हम डिलीवर नहीं कर सके। 3 साल के बाद वो कहते थे कि हम अब तजर्बेकार हुए, मुल्क अब ट्रैक की तरफ लेके आए, और बहुत सारे अच्छे फैसले उनके थे भी। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नोन दावा करती थी कि हम तजर्बेकार हैं, उनका तजर्बा अब वो क्यों हेजिटेशन का शिकार हो रहे हैं, और उनको क्यों लग रहा है कि वो भी किसी ट्रैप का शिकार हुए, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।